दोस्तों फैंस की डिमांड पर ये वीडियो स्पेशल बना रहा हूं मैं। कागज ट्रेलर एक रिलीज हुआ है, सलमान खान ने उसे को प्रोड्यूस किया है और अपने ट्विटर हैंडल पर भी उसे शेयर किया है आज ही। ये ट्रेलर मैंने दोपहर में एक्चुअली देख लिया था, लेकिन मैंने उस पर वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन फैंस के लगातार डिमांड कमेंट आते हुए मैंने सोचा इस पर वीडियो बना ही दूं, क्योंकि ट्रेलर वैसे ही बहुत अच्छा है, इसलिए वीडियो बनाने का मेरा मन तो था ही पहले से। यहां पर खास बात क्या है मैं आपको बताता हूं, ये ट्रेलर इतना इंटरेस्टिंग क्यों है। कागज एक ऐसी फिल्म, एक ऐसे बंदे की कहानी है जो बंदा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे मृतक घोषित करार दिया, यानी कि डेड घोषित करार दे दिया गया है। उसके पास से उसके जीने का जरिया हर चीज छीन लिया गया, यानी कि वो जिंदा है लेकिन पेपर पर, ऑफिशियल पेपर पर उसे मृत घोषित कर दिया गया है। वो 19 साल तक अपनी लड़ाई लड़ता है समाज से, ब्यूरोक्रेसी से, सरकार से, ताकि उसे अलाइव घोषित कर दिया जाए। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक इंसान की जिसकी आयु अभी 64 से 65 वर्ष की है, 1955 में जन्मा, लाल बिहारी मृतक। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम वैसे लाल बिहारी था, लेकिन जब ये ऑफिशियल पेपर पर डेड घोषित कर दिया गया तो लोग उसे मृतक बुलाने लगे, तो इसने अपना नाम लाल बिहारी मृतक यानी कि जिसकी डेथ हो चुकी है वो रख लिया। इस बंदे ने हार नहीं मानी, 1975 में इसे मृतक घोषित कर दिया गया था सरकार ने। इसने 19 साल तक लड़ाई लड़ी और 1994 में इसे वापस से अलाइव यानी कि उसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे कंफर्म बता दिया गया कि हाँ ये जिंदा है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की अजीबोगरीब स्टोरी पर ये फिल्म बेस्ड है। मेरे ख्याल से स्टोरी वाइज ये फिल्म बहुत अच्छी है और पंकज त्रिपाठी एज लाल बिहारी एक बहुत अच्छा रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे सतीश कौशिक इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं, जो मुझे लग रहा है एक अच्छा खासा डायरेक्शन है, जिन्होंने तेरे नाम भी डायरेक्ट की थी बहुत लोगों को अगर पता ना हो तो। इस फिल्म को भी को प्रोड्यूस सलमान खान की माता जी सलमा खान कर रही है। यहाँ पे कुछ और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश डेड पीपल एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश डेड पीपल एसोसिएशन नाम का एक संगठन स्टार्ट किया है इस लाल बिहारी मृतक ने, और वो उन लोगों का संगठन है जिसे सरकारी कागज पर मृतक घोषित कर दिया गया और वो जीवित है, यानी कि ऐसे लोग जो जिंदा है लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में उसे मरा हुआ घोषित कर दिया गया, उनकी संगठना है जो ये लाल बिहारी चलाते हैं। और बहुत बड़े एक एक्टिविस्ट है आज के टाइम में, और बहुत उनका नाम है और लोग उन्हें प्यार से मृतक ही बुलाते हैं। यानी कि एक ऐसे इंसान को 19 साल लड़ना पड़ा सरकार से ताकि ये घोषित कर सके कि वो जिंदा होते हुए भी मरा क्यों है, जिंदा होते हुए भी उसे जिंदा होने का प्रूफ क्यों नहीं दिया जा रहा है। बहुत अच्छी स्टोरी दोस्तों, और मुझे अच्छा लगा है ट्रेलर। ट्रेलर में बहुत ताना बना बुना है और बहुत प्यार से, बहुत ही सलीके से जो डायलेक्ट है, जो फील है एक यूपी का, एक या जो मिट्टी की जो खुशबू है वो नजर आ रही है इस ट्रेलर में, और पंकज त्रिपाठी के लिए यही बनता है। आज मैं उनकी वो क्रिमिनल जस्टिस सेकेंड सीजन आज ही देखा, उसके दो दिन पहले वापस से मैंने रिकॉल करके क्रिमिनल जस्टिस सीजन 1 देखा, माधव मिश्रा, यानी कि ये बंदा हर रोल में यार आपको कुछ ना कुछ छोड़ के जाता है। ये हो देवेंदु भट्टाचार्य हो, भट्टाचार्य हो, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स आए जिसने ओटीटी प्लेटफॉर्म से ही बहुत सारे लोगों की जिंदगी बनाई, जिनमें से एक आई थिंक मैं कहूंगा पंकज मिश्रा भी है, पंकज त्रिपाठी भी है। कितने खुश है आप इस वीडियो को देखकर जरूर बताइएगा, और रिव्यू के हिसाब से इस ट्रेलर को मैं आराम से 3.5 स्टार दूंगा 5 में से, यानी कि 70% प्लस। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब करना भूलिएगा।